हम सुरती सेव खमनी बनाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो एक बाउल में हम 2 कप पानी लेंगे, फिर 1 कप शक्कर लेंगे, 1 कप मतलब 12 स्पून, उसे हम पानी में मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि शक्कर घुल जाए पानी में। फिर 2 नींबू का रस लेंगे, मैंने 2 मीडियम साइज़ के नींबू लिए हैं और उसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे पानी में। हमारी शक्कर घुल गई है अच्छे से पानी में। फिर हम 3 कप बेसन का आटा डालेंगे उसमें और उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे अंदर। फिर हमें उसे 5 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते रहना है ताकि हमारे खमन फ्लफी बने। फिर नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैंने 1 चम्मच डाला हुआ है। फिर 1 प्लेट लेंगे और जो प्लेट में खमन बनाना है उसे हम ग्रीस कर देंगे ऑयल से। और लास्ट में हम इनो डालेंगे 2 स्पून या 2 छोटे पैकेट इनो के और उसे हम मिक्स कर देंगे। उसे हमें अच्छे से फेंटना है 5 मिनट के लिए ताकि हमारे खमन अच्छे सॉफ्ट बने। फिर खमन के बैटर को हम ग्रीस किए हुए प्लेट में निकाल देंगे। मैंने एक पैन में 2 ग्लास पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, वो बॉईल हो चुका है तो हम उसे उसमें स्टैंड डाल के खमन को पकाने रख देंगे। हमें हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए पकाना है, खमन को ढक देना है। 15 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हो आपके खमन रेडी हुए या नहीं। आप नाइफ उठा के चेक कर सकते हो, नाइफ क्लीन आ रही है मतलब आपके खमन रेडी हो गए हैं। फिर उसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे, वो ठंडा हो जाए उसके बाद हम खमन को पीसेस कर देंगे, छोटे स्क्वायर पीसेस करने हैं उसके। देखो कितने सॉफ्ट बने हमारे खमन। फिर उस खमन को हम क्रम्बल कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में। फिर हम तड़का लगाएंगे, उसके लिए मीडियम फ्लेम पे 3 स्पून ऑयल लेंगे, रई डालेंगे 1/2 स्पून, 1 स्पून तेल डालेंगे, ग्रीन चिलीज डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे और क्रम्बल किया हुआ खमन डाल देंगे उसमें। और फिर अच्छे से उसे मिक्स कर देंगे। फिर खमन को हम 1 प्लेट में ले लेंगे। ग्रीन चटनी डालेंगे, धनिया की चटनी है। फिर कोकोनट लेंगे, नारियल है पिसा हुआ, डाडम है, नायलॉन सेव डालेंगे ऊपर। सेव हमें ज़्यादा डालनी है इसमें। फिर लास्ट में हम धनिया डालेंगे ऊपर से। हमारी सेव खमनी रेडी है।